एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सब डॉक्टर संजय सिंह। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है एकोनाइटम नेपुलस, जिसको हम शॉर्ट में एकोनाइट बोलते हैं। तो आज मैं इसके मेंटल सिम्टम्स के बारे में बात करने वाली हूँ, आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन से मेंटल सिम्टम्स यानी कि मानसिक लक्षण प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं और ये कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं एकोनाइट के बारे में। तो एकोनाइट के अगर कॉमन नेम्स की बात करें तो इसको हम वॉक्स बेन, लेपर्स बेन, मॉन्क्स फुट भी कहते हैं। इसकी फैमिली है रानुकुलेसी और ये डैम्प माउंटेनियस यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये अगर ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ले लिया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा डेडली पॉइजन होता है, लेकिन होम्योपैथी में इसको आफ्टर पोटेंटाइजेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से यूज किया जाता है, बहुत ही अच्छे से यूज किया जाता है और बहुत सारी बीमारियों में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। ये एक एक्यूट रेमेडी है, यानी कि इसका एक्शन जो होता है कुछ ही टाइम के लिए होता है, तो इसको कई बार रिपीट करने की नीड होती है। अगर इसके मेंटल लक्षण की बात करें, मानसिक लक्षणों की बात करें कि हमारे माइंड पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो होता है फियर और एंजाइटी। मतलब छोटी मोटी अगर ट्राइबल सी कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई भी छोटा सी प्रॉब्लम हुई, इवन आप ये समझिए कि एक कट भी लग गया, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा फियर रहेगा, बहुत एंजाइटी रहेगी, डर और घबराहट। ये दो चीज़ें एकोनाइट के मेंटल जर्नल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको एक्यूट आ रही है, एक्यूट प्रॉब्लम है जो सडनली आ रही है और बहुत वायलेंट है, तो ऐसी कंडीशंस में चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल, एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि कोई इंसान बैठा हुआ है, एकदम ठीक ठाक है, अचानक से वो उठे और चिल्लाने लग जाए, चीज़ें फेंकने लग जाए बिना वजह ही, तो ऐसे में एकोनाइट बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। एकोनाइट में फियर बहुत मार्क्ड होता है, हर चीज़ को लेके फियर होता है, हर चीज़ को लेके डर होता है, घर से बाहर निकलने में डर लगता है, कहीं क्राउड में जाने में डर लगता है, जैसे कि कोई भीड़ भाड़ वाली जगह तो वहाँ जाने में डर लगेगा, रोड क्रॉस करने में डर लगता है, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा डर लगता है कि क्या होगा मेरे फ्यूचर में क्या होगा। इसके अलावा फ्यूचर को सोच सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, बहुत ज़्यादा फियर उसको रहता है, हर चीज़ को फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर थोड़ी बहुत भी बीमारी हो गई इस एकोनाइट के पेशेंट को, तो फिर वो डॉक्टर को यही बोलेगा कि डॉक्टर आप कुछ मत कीजिए, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं तो बस मरने वाला हूँ। इतना फियर ऑफ डेथ होता है कि यही नहीं कि मैं मरने वाला हूँ, ये भी बता देता है कि मैं किस टाइम पे मरने वाला हूँ। अगर उस टाइम पे उस रूम में वॉच लगी होगी, घड़ी लगी होगी, तो वो टाइम भी बता देगा, सिर्फ दिन ही नहीं टाइम भी बता देता है, इस टाइम पे जब घड़ी में इतने बजेंगे तो मैं मर जाऊँगा, मैं बिल्कुल नहीं बचने वाला हूँ। इतना ज़्यादा फियर देखने को मिलता है। फियर ऑफ डेथ अगर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा है या फिर बच्चा होने के बाद बहुत ज़्यादा फियर ऑफ डेथ है, तो ऐसे में भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। फियर के साथ साथ एंजाइटी बहुत देखने को मिलती है, घबराहट रहती है, साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा अफेक्शन जो होता है फ्रेंड्स को लेके, फैमिली को लेके, वो बिल्कुल गायब हो जाता है, काइंड ऑफ इंडिफरेंस टाइप का डेवलप हो जाता है, कुछ भी नहीं सोचता कि मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, इनका क्या होगा, तो इस चीज़ का अफेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ होती है, अगर थोड़ी सी हवा भी चल गई तो एकदम से डर जाता है इसका पेशेंट, कुछ भी बियरेबल नहीं होता, म्यूजिक भी बियरेबल नहीं होता, अगर आप लाइवली म्यूजिक भी लगा देंगे तो इसका पेशेंट जब भी वो म्यूजिक सुनेगा तो सैड हो जाएगा। इसके साथ साथ पेन को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है, थोड़ा सा भी दर्द हो रहा है कहीं भी किसी भी पार्ट में, थोड़ा सा भी दर्द हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर फील होता है एकोनाइट के पेशेंट को।
इतना ज़्यादा पेन फील होता है कि वो चिल्लाने लग जाता है। इसके साथ साथ मूड चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कभी कभी बिल्कुल सैड रहेगा, सैडनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, ग्लूमी रहेगा, और अचानक से एक्साइटेड हो जाएगा, नर्वस एक्साइटेबिलिटी देखने को मिलती है। एक्यूनाइट के जो पेशेंट होते हैं बहुत जल्दी वायलेंट हो जाते हैं, तो वायलेंट हो जाएंगे, चीज़ें फेंकने लग जाएंगे, स्क्रीम करने लग जाएंगे, तो ऐसे केसेस में एक्यूनाइट बहुत ही इफेक्टिव होती है। साथ ही साथ रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, हमेशा रेस्टलेस रहेगा, घबराता रहता है इसका पेशेंट, रेस्टलेस रहता है, बेचैनी सी मची रहती है। तो इस तरह के अगर लक्षण है किसी में, इसमें एक्यूनाइट बहुत अच्छा काम करती है। एक्यूनाइट की आप 30 पावर ले सकते हैं या 200 पावर ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितना ज़्यादा वायलेंट सिम्टम है, कितना ज़्यादा लक्षण है, उस हिसाब से आप 30 या 200 ले सकते हैं। और आपको कुछ कुछ घंटों में या फिर दिन में 2 से 3 बार रिपीट करने की भी नीड हो सकती है, क्योंकि ये एक्यूट मेडिसिन है, कुछ ही टाइम काम करती है, उसके बाद इसको रिपीट करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, एक्यूनाइट के मेंटल सिम्टम्स के बारे में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं एक्यूनाइट के फिजिकल सिम्टम्स के बारे में बात करूंगी कि हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स पे इसका क्या यूज होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई चीज़ आप और जानना चाहते हैं एक्यूनाइट के बारे में, किसी और मेडिसिन के बारे में, तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।